गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जिम्नोस्पर्म्स उसके जनरल फीचर। हमने उसके दो पार्ट पढ़ लिए हैं और अब आज हम पार्ट थर्ड में आएंगे। पार्ट थर्ड, ये मैं आपको बता दूं, जितने भी पार्ट पढ़ेंगे उनको आपको कंबाइंड करना है, एक साथ पढ़ना है। सुविधा के लिए इसको हमने कई पार्ट में बांटा है। लास्ट पॉइंट में हमने बात की थी रूट के बारे में, रूट के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली। उसके बारे में हमने बता दिया कि जो रूट है उसमें किस प्रकार की सुविधा, क्या अडेप्टेशन है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं वहाँ पर रूट के बाद में इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है लीफ। नेक्स्ट पॉइंट, लीफ काफ़ी अडेप्टेशन दर्शाती है। और जहाँ तक हम तने की बात करें, तने पर ये लीफ इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। लीफ की जो शुरुआत है, ओरिजिन जो है, वो निचले भाग से ही हो जाता है। और जैसे जैसे पौधा ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे निचली लीफ जो है वो गिर जाती है। ऊपर की ओर आपको लीफ का एक क्राउन नज़र आता है। जो लीव्स गिरती हैं वो एक चिन्ह छोड़ जाती हैं स्टेम पर। इस चिन्ह को लीफ स्केयर कहते हैं। लीफ स्केयर और छत चिन्ह, इसका मीनिंग हो गया कि ये जो है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, उसकी वजह से स्टेम रफ नज़र आता है। पर्ण की अगर हम बात करें तो ये एक रूपी या द्विरूपी होती है, मोनो या डाइमॉर्फिक। मोनो या डाइमॉर्फिक का मीनिंग ये है कि लीफ जो है वो फंक्शनली दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है फोलिएज और एक होती है स्केली। डिटेल से हम जब चैप्टर वाइज बात करेंगे तो बात करेंगे। फोलिएज लीव्स जो होती है उसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, इट मींस इट प्रोड्यूस फूड। और स्केली लीव्स ब्राउन कलर की होती है, ऑब्वियसली ब्राउन कलर है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, डोंट शो फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं। मैनली इनकी जो फंक्शनिंग है वो है प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ये सुरक्षा का कार्य करती है। इफेड्रा एक ऐसा वंश है, आपको याद रखना चाहिए, इफेड्रा जिनमें केवल स्केली लीव्स ही पाई जाती है। स्केली लीव्स यहाँ पर पाई जाती है, बाकी और वंशों में दोनों प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं। दूसरी बात अगर लीव्स के बारे में हम करें तो ये हरी होती है, ग्रीन इन कलर, नीडल लाइक हो सकती है और पिनेटली कंपाउंड होती हैं। पिछाकार इसको हम बोलते हैं। पाइनस जो प्लांट है, साइकस में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिलती। पाइनस जो पौधा है उसमें आपको निचली लीव्स लंबी नजर आएगी इस प्रकार से, फिर क्रम से है ये इस प्रकार की हो जाएंगी। और एक कॉन फॉर्म प्रोड्यूस कर लेगी इस प्रकार से, इसीलिए पाइनस को कॉनिफेरस प्लांट भी कहते हैं। कॉनिफेरस प्लांट का मतलब हो गया जिसके अंदर कॉन लाइक स्ट्रक्चर हो। तो ये लीव्स के बारे में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेम।
स्टेम अलग अलग वंशों में अलग अलग प्रकार का होता है, ये सिलेंड्रिकल से लेकर टॉल, हार्ड और ब्रांच्ड हो सकता है, शाखित हो सकता है। स्टेम बेसिकली पाइनस, साइकस या इफेड्रा, तीनों में अलग अलग नेचर दिखाता है। अगर हम इसके टीएस को देखें तो बेसिकली ये दो भागों में बटा हुआ है, एक है ऐसा पोर्शन जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम है, इसको हम स्टिलर जोन कहेंगे और ये कॉर्टिकल जोन कहेंगे। कॉर्टिकल जोन में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, इनको हम रेजिन और टैनिन सेल कहते हैं। ये स्पेसिफिक करेक्टर है जिम्नोस्पर्म का, पहचान में काम आता है और विशेष प्रकार से ये गम और रेजिन प्रोडक्शन में काम आता है। जहाँ तक हम जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं, जाइलम फ्लोएम की व्यवस्था अरेंजमेंट डाइकोट स्टेम की भांति है। मान लो कि ये स्टिलर रीजन है तो इसके अंदर वेस्कुलर बंडल हमें इस ज्योमेट्री में, इस व्यवस्था में देखने को मिलेंगे। इस रूप में यहाँ पर एक वेस्कुलर बंडल को देखें तो आपको ये जाइलम और फ्लोएम, बीच में कैम्बियम, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम कोलेटरल कोजॉइंट और ओपन टाइप कहेंगे। वेस्कुलर बंडल का जो नंबर है वहाँ हमें ये 4-5 या उससे भी ज़्यादा देखने में मिल सकते हैं। अगर इनकी संख्या 4 है तो टेट्रार्क या पेंटार्क, और उससे ज़्यादा है तो पॉलीआर्क कहलाते हैं, पॉलीआर्क अरेंजमेंट इनमें देखने को मिलता है। प्रीवियस वीडियो में हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा तो हमने एक बात की थी कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पे ये टेरिडोफाइटा से आए हैं। टेरिडोफाइटा ऐसे पहले वेस्कुलर प्लांट हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए गए। कुछ अपवादों को छोड़ दो तो टेरिडोफाइट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दर्शाते, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म शो सेकेंडरी ग्रोथ, लेकिन इसके अलावा इन दोनों की खास बात यह है कि इनके जाइलम में वाई का, इट मीन्स वेसल्स नहीं होती, पहला पॉइंट, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती है। अपवाद अलग मैटर है, अपवादों की बात हम अभी नहीं करेंगे। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं पाई जाती। दूसरी कि इनके अंदर वार्षिक वलयों का निर्माण होता है, इट शो आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ इट प्रोड्यूस ग्रोथ रिंग की वजह से हम इसकी एज को काउंट कर सकते हैं। हालांकि ग्रोथ रिंग ज़्यादा क्लियर नहीं होती, लेकिन हम उसकी एज को काउंट करेंगे बाय द काउंटिंग ऑफ ग्रोथ रिंग्स एंड द ब्रांच विच डील्स इट कॉल्ड डेंड्रो क्रोनोलॉजी।
ऐसी शाखा जिसमें हम पौधों की आयु ज्ञात कर सकें उसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहेंगे। तो इस वीडियो में हमने रूट, लीव्स और स्टेम के बारे में डिटेल से जाना है। ये पार्ट थर्ड है जनरल इंट्रोडक्शन का। यहाँ तक आप इसको कंटिन्यू 1, 2, 3 को मैच करें नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।